वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्त बिंदावन वाछाकृपा कृपासीवच पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् वृंदावई तुलसीदेव पिया वै केशवशक्तिपद देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्गुरुं धैयं सदा परिभवग्नम अविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चन्तुं शरण्यं भीतातिहं पुनतपालभवाद्विभूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकिमपि कबोधुषु अदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति शाराधिकामयि कदा किमहं करिष्ये श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजौ कनकाभुधातु संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषी त्ववामभागम् नारायणो प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाहं वंदेत
तव चरणयोर दंदम दंदहेत कुंभिपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मिदु तनु लता नंदनी नाभिरंतुं भावे भावे हृदय भवने भावयम् भवन्तम् नाहं वंदे तव चरणयोर दंदम दंदहेत कुंभिपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मिदु तनु लता नंदनी नाभिरंतुं भावे भावे हृदय भवने भवयम् भवन्तम् गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए वैष्णव निष्किंचन है। जगत का ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो गुरु वैष्णव को लुभा सके। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए वैष्णव निष्किंचन है। जगत का ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो गुरु वैष्णव को लुभा सके, अट्रैक्ट कर सके। ऐसा कोई वस्तु नहीं है मरने का बाद स्वर्ग में या ये जगत में, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो वस्तु गुरु वैष्णव को लुभा सके। और जो वस्तु भगवान श्री कृष्ण नखराबिंदो, भगवान श्री कृष्ण का पद नखराबिंदो शोभा से अधिक लोभनीय है, ऐसा वस्तु जगत में है नहीं, इन्फिनिटी ब्रह्मांड में। जिस समय हम लोग भगवान का सेवा से आकर्षित नहीं होते, भगवान का चरण में आकर्षित होके भगवान का सेवा में इच्छा नहीं प्रकट करती, इच्छा नहीं, तब तक ये समझ के रखना जब माया देवी तरह तरह का रूप पकड़ कर हमको आकर्षण कर रहा है। बहुत दिन पहले, 4 महीना पहले चर्चा हुआ था ये सब विषय में। माया देवी तरह तरह का बेस बनाकर, बहाना बनाकर भक्तों का जिंदगी में आता है, सब कोई का जिंदगी में, विशेष करके भक्तों का तो चर्चा हो रहा है कैसे भक्ति प्राप्त किया जाए। माया देवी बहु तरह तरह का विचार बना के, बेस बना के भक्तों का भजन में फूट डालने के लिए पहुँचते हैं, पहुँचती है। कभी प्रतिष्ठा का रूप पकड़ कर, कभी कामिनी कंचन, कभी ऑनेस्टी, कभी मोरालिटी, तरह तरह का सोशल सेवा, इसमें रिप्यूटेशन आने वाला है, बस तरह तरह का विचार बना के, बेस बना के माया देवी। यहाँ तक कि गुरु सेवा हो रहा है या मैं सोच रहा हूँ कि गुरु सेवा हो रहा है, गुरु का अनुगत हो रहा है, लेकिन विचार करके देखा जाए तो गुरु वैष्णव का अनुगत तो नहीं हो रहा है। गुरु वैष्णव का अनुगत होने से, वास्तव अनुगत होने से हमारा अंदर में भक्ति पैदा होगी, एक अनाबिल आनंद, स्पॉन्टेनियस एक ठो आनंद हृदय में विराजमान हो जाएगी। हर वक्त कोई डिसरिस्पेक्शन नहीं रहेगी, अपना सुविधा का जो बातें हैं ये भजन नहीं है। उपनिषद में आता है जो उपमनु का ऊपर कितना तरह तरह का परीक्षा किया गया ब्रह्मज्ञान देने का, पहले तरह तरह का परीक्षा किया गया, लेकिन उपमनु सक्सेसफुल निकला है। उपमनु का सब कुछ मंजूर है, गुरुजी का जो कहना है सब मंजूर है, ऐसा नहीं कि अपना कुछ डिसीशन है, अपना कुछ मनमानी है, कुछ नहीं। उपमनु सक्सेसफुल, कामयाब आई, पूरा सक्सेसफुल,
क्योंकि गुरुजी बताएं, जो बताएं वही मंजूर है। यहां तक कि अंतिम में बिना खाए मरने का चक्कर में पड़ा, गुरुजी मना कर दिया, तुम जो गौ माता को लेके जाते हो तो दूध का क्या क्या खाते हो? पहले बोला जे भिक्षा कर लेता हूं। अरे भिक्षा तो हमारा है, तुम्हारे पास जो भी आएगा तो हमारा है, तुम क्यों लेते हो? अच्छा गुरुजी दे देंगे, क्योंकि इस शास्त्र में है, भागवत में है, लब्धार्पणम, शास्त्र में है, भागवत में लब्धार्पणम, जो कुछ भी मिले, यहां तक कि सत शिष्यों का जिंदगी में जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा जो कुछ भी मिले, उसका एक बूंद भी हिस्सा अपने लिए नहीं रखना है, अपने लिए नहीं रखना है, सब गुरु जी को लब्धार्पणम। ये अगर सिद्ध नहीं हुआ तो शरणागति सिद्ध नहीं हो पाया। कई सारे उदाहरण हम देंगे, फिर प्रभुपाद का विचार में आएंगे। अपमन्नु को मना कर दिया, भिक्षा करना तो बल गुरुजी पहले भिक्षा हम आपको दे देते, दूसरा भिक्षा में नहीं, नियम नहीं है, जो कुछ भी भिक्षा सब हमारा गुरुजी का ही है। अच्छा ठीक है, बाद में उपमन्नु दूध के सहारे जीने का कोशिश की, क्या खाते हो तुम? दूध पीते? अरे दूध क्यों खाते हो? हमारा परमिशन लिया है, इजाजत लिया? नहीं नहीं नहीं, दूध नहीं पीना, वो बच्चू बच्चिया का है। ठीक है गुरुजी, जब फिर दोबारा प्रश्न किए, कैसे जी रहे हो, कैसे खा रहे हो, तुम्हारा जो स्वास्थ्य जो है तगड़ा दिख रहा है, बोले गुरुजी जो बच्चिया खा के बोमी करता है ना, उगालते हैं वो हम, नहीं नहीं नहीं, वो बच्चिया बड़ा करुणामयी है, तुम्हारा लिए उगालती, नहीं 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 करना नहीं। बाद में आकंद का पत्ता खाकर अंधा बन गया, कुएं में गिर गया, सोचो क्या बात है। और उसका बाद खेला शुरू हुआ, गुरुजी बोल के चिल्लाया जो भी है, और एक दूसरा तीसरा पाद तीन चार पाद में एक एक करके डिवीजन करके दिव्य ज्ञान का प्राप्त हो गया। फिर भी जब गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी बोले देखने से लगता है तुमको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अरे नहीं नहीं गुरुजी, हमको दिव्य ज्ञान नहीं पा, कुछ प्राप्त हुआ आपका कृपा से, लेकिन फिर भी वो जो हमारा ब्रह्म ज्ञान है, ये गुरुमुखी विद्या है, आपसे द्वारा सुनना है, आप बताओगे तो रियलाइजेशन में उतारेगा। प्रवचन देना और रियलाइजेशन में उतारना, अनुभव में उतारना, दोनों में फर्क है। प्रवचन बहुत कुछ दे सकता है बहुत कोई, लेकिन रियलाइजेशन में अनुभव में उतारना गुरु जी का जो उपदेश है ये असंभव है। हमारा रास्ता एकलव्य का रास्ता नहीं है। एकलव्य का सम्मान इस जगत में हो सकता है, लेकिन एकलव्य का जैसा रास्ता है हमारा नहीं है। हम कुछ शक्ति शक्ति प्राप्त कर लेंगे ऐसे वैसे, अरे शक्ति का बात छोड़ो, असुर लोगों का भी शक्ति मिलता है, क्या मिलता नहीं? मिलता नहीं, देवता से भी ज़्यादा पावर है उन, तो पावर का बात नहीं है, ये क्वेश्चन है, सवाल है जब हमारा अंदर में भक्ति आई कि नहीं, ये सबसे बड़ा बात। पावर आ सकता है असुर लोगों का, जब प्रभुपाद को छोड़ के चले गए एक विनोद और एक वाई वासुदेव, उसका शक्ति और बढ़ गया, असुरिक शक्ति बढ़ता है, और इतना वॉल्यूम सब बुक्स कंपाइल किए कि केशव गोस्वामी महाराज विशेष करके तीन बुक का नाम बताया, बोले ये इट इज वन काइंड ऑफ ट्राइडेंट, त्रिशूल है गौड़िया मठ का खत्म करने के लिए। लेकिन ये लोग बेवकूफ है, जानते नहीं है गौड़िया मठ एधार का कोई वस्तु नहीं है, अप्राकृत गोलोक वृंदावन का वस्तु, गौड़िया मठ को खत्म करो कुचल डालो, ऐसा विचार बना के तीन किताब निकाला था, एक गौड़ीय तीन ठाकुर, परतत्वेर शेषिमा, अचिंत भेदाभेद बात। केशव गोस्वामी बोल रहा है जे ये जो किताब लिख रहा है आदमी जो लिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि
सुबोध बाबू का गुरुजी कौन है, ये गुरुजी का कोई नाम नहीं है, ये तो पारमार्थिक किताब है, इसमें गुरुजी का नाम नहीं है, गुरुजी कौन है मैं पूछना चाहता हूँ, उसका बाद किताब देखेंगे, उसका पहले नहीं। जो लोगों का गुरु का साथ कोई कनेक्शन नहीं है तोड़ देते हैं, उसका तो पहले ही ना सब खत्म हो गया, और क्या बाकी है। जब तक हमारा अंदर में तीनादपी भाव आया कि नहीं, कैसे समझे, ये तो मनमानी बहुत कुछ करे आदमी, तीनादपी आया कि नहीं कैसे समझे, कैसे क्या प्रमाण है। दुनिया का आदमी तो हमको बोलना शुरू, ये बाबा तीनादपी है या नहीं है, कोई भी कमेंट पास कर सकता है। एक वैष्णव का बारे में वो वैष्णव है कि नहीं है, क्या है नहीं है, इसका बारे में कमेंट पास करने का अधिकार किसने दिया है। कोई बद्धजीव कोई कमेटी बना लिया और बोले हम विचार करेंगे ये वैष्णव है ये नहीं है, ये अधिकार किसने दिया, ये तो अधिकारी है नहीं। तो पहले जो विचार शुरू किया था उसका पुष्टि के लिए हम दिखाएंगे, कोई आकर यहां तक भी बूंद भी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ऐसा चीज है जैसे कोरोना से भी बहुत फाइन लगता है कि कुछ आया ही नहीं, मेरा प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं है, सब तो गुरु जी का। लेकिन विचार का सूक्ष्म भी सूक्ष्म विचार करके करने जाए तो मेरे लिए जो प्रतिष्ठा रिजर्व किया हुआ है पहले से ही, लगता है बाहरी दृष्टि में नहीं है मेरा अंदर क्या प्रतिष्ठा, सब तो दे दिया गुरु जी, नहीं दिया, उतना इजी नहीं है। हम अभी अपमान करे गाली दे पिटाई करे तो हमको लात लगा के चले जाएंगे आदमी, थोड़ा प्रवचन में कराई बताए बस छोड़ दिया, अच्छा है। सेवक तो वो है, पिटाई करो कुछ भी करो गाली दो कुछ भी करो फिर गुरु को छोड़ के नहीं जाते, ये है गुरु, ये है गुरु शिष्य का संबंध है। ताड़ी तो पीड़ी तो भी बा, सारे कुछ तुम्हारा जो कुछ भी है छीन ले, तुम्हारा बस कुछ भी है हमको दे दे, सब मेरा है तेरा नहीं है, गुरु जी ले लिया सब ले लिया, बेसहारा बना दिया, बेसहारा बना दिया। शिष्य अगर सोचे कि मैं बेसहारा बन गया तो गुरु चरण आश्रय नहीं किए, फेंकने का बाद अगर समझे कि मेरा तो सहारा गुरु जी है, गुरु की पाही केवलम, तब तो हो गया, वो गुरु आश्रय किया है नहीं तो नहीं किया। पहले शुरुआत में बोला था माया देवी तरह तरह का बेस बनाकर आती है, अंतिम समय तक अरे हम और तुम का बात तो क्या करें, बड़ा बड़ा वर्ल्ड फेमस पिक्चर्स अल्टीमेटली भोपात को छोड़ दिया, भोपात का नाम ही बताना छोड़ दिया, सब मेरा है मैंने किया है सब, ये गुरु पार से कोई सोचता ही नहीं, भावना आता ही नहीं, तमाम मैंने किया ये मेरा कामयाब बस हो गया। अरे हम तो हम तुम तो तुम हो, बड़े बड़े सब वर्ल्ड फेमस पिक्चर वो भी भोपात को गोरिया मठ को सब फूकने का कोशिश किए, फूकने का माया देवी पकड़ा, बहुत प्रयास प्रचेष्टा किया प्रचार किया बहुत कामयाबी मिली, बस अंतिम में सोचना शुरू किया तो मेरा ही है मैंने ही तो किया, अरे कौन किया मैंने ही तो किया, बस हो गया कनेक्शन टूट गया। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा और भागवत परंपरा को कितना साइंटिफिक विचार दिखाया, हमने बहुत विचार दिखा सकता है लेकिन समय नहीं है, एक एक प्रैक्टिकल उदाहरण। बड़ा बड़ा वैष्णव है प्रचार किया है, वो लोगों का गुरु जी है, गुरु जी का साथ कनेक्शन तोड़ गया क्योंकि गुरु जी का फॉल डाउन हुआ, फिर तुरंत शिक्षा गुरु पकड़ लिए, शिक्षा गुरु भागवत परंपरा में भागवत परंपरा का लाइन में आ गया और कामयाबी मिले सक्सेसफुल हो गया, ऐसा हो सकता है भागवत परंपरा में सक्सेस हुआ, ऐसा बहुत सारे उदाहरण भी है। अभी अगर भगवत सेवा में कोई आकर्षण पैदा नहीं हुई हृदय में तो समझ के रखना कि माया देवी तरह तरह का बेस बनाकर अभी भी मेरे को
मुसीबत में डालने का कोशिश कर रही है, आक्रमण कर रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो अखंड वस्तु है, अद्वैत ज्ञान तत्व अखंड वस्तु का सेवा करते रहते हैं, ऐसा कोई साधु का अनुगत करने से जीव का मंगल होता है। जो अखंड वस्तु, खंड वस्तु नहीं, अखंड वस्तु का सेवा में बिजी है, अद्वैत ज्ञान तत्व का, इनके सेवा करने से मंगल, जीवों का मंगल होता है। क्योंकि भगवत भक्तो कृष्णो से तुमार कृष्णो द्वितीय पारो, तुमारो शक्ति आचे, कृष्ण तुम्हारा है, तुम कृष्ण को दे सकते हो। भगवत भक्तो भगवान को खरीद लिया, वो बेच भी सकता है। अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व, अखंड वस्तु वास्तव ज्ञान जिसका संपत्ति है, ऐसा मापिक सदगुरु सर्वतो रूप में कृष्ण सेवा में तत्पर है। इनके जो चरण जो अतुलनीय, अनपैरेलल, अनबीटन, ये पादपीठ गुरुचरण का, ये मेरा तमाम शक्ति का उत्स है, सोर्स है। आसुरिक शक्ति ये हो सकता है, ये शक्ति का बारे में अगर चिंता करें तो ठीक नहीं। भक्ति पावर आ रहा है, पावर आ रहा है, पावर का क्या बात है, पावर तो असुर को भी आता है, हमको पावर पावर का बात नहीं है। ठाकुर हमको निष्किंचन बना दे, हमको भी सहारा बना दे, ठीक है, लेकिन अंतर में पशु पक्षी हुए था कि स्वर्गे बा निराय तब भक्ति रहु भक्ति विनोद ही राय। वैष्णव सेवा का महिमा ज्यादा है, वैष्णव सेवा द्वारा ही भगवान का सेवा मिलता है। अर्जुन जो अर्जुन है वो भी कितना देखो दारिका में कितना पावर दिखाया। ये ब्राह्मण जिसका लड़का बच्चा पैदा होते ही मर जाते थे, अर्जुन ने बोले मेरा नाम अर्जुन है, मैं गंडीप धारी हूं। अरे प्रद्युम्न अनिरुद्ध इन्हें कुछ नहीं कर सका, ब्राह्मण ने बताया। अरे आम प्रद्युम्न थोड़ी है, मेरा नाम अर्जुन है, मेरा गंडीप है। अच्छा अलहम रखा करेंगे आपको, चलो ठीक है, नहीं कर सके तो छलांग लगाएंगे, जलता हुआ आग में हम छलांग जगाएं, ठीक है चलो। इतना अभिमान है, मैं हूं, मेरा नाम अर्जुन है। अरे बाप रे बाप, चलो ठीक है। बाद में क्या हुआ, भगवान दर्पहारी, किसी का अभिमान सहन नहीं करते भगवान। भगवान निष्किंचनों का धन है, बिल्कुल जरा सा भी अभिमान रहे तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता, भक्ति रास्ता में आगे जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कहां से आए। अर्जुन का घमंड तोड़ दिया ठाकुर जी ने, बाद में साबित किया ये सब मैं ही हूं। जब युधिष्ठिर महाराज के पास आए तो बोले मैं राजन वही अर्जुन हूं, मेरा वही रथ है कपित ध्वज, वही मेरा गंडीव है, सब कुछ मेरा है, सबूत है। फिर भी वो अर्जुन नहीं रहा, क्योंकि वंचित अस्मि हरिना बंधु रूपिना, मेरा दोस्त बन के जो बंधु बन के जो परात्पर अखिलेश्वर भगवान आए थे, भगवान अभी वंचित करके चले गए। वंचितोस्मि हरिना बंधु रूपिना, बंधु रूपी हरि मेरे को वंचना करके चले गए। वही गांडीव है, वही अर्जुन है, सब कुछ है, लेकिन वो ताकत नहीं रहा। इसके द्वारा प्रमाण किए ठाकुर जी, बलम बलवताम अस्मि, कोई बलवान का बल मैं हूं। प्रहलाद महाराज जी ने विनम्र भाव से जवाब दिए हिरण्यकशिपु, ए किसका ताकत पे तू ऐसा कर रहा है, बोल रहा है। जिसका ताकत से आपका ताकत है, जिसका ताकत से मैं बोल रहा हूं, बस करो। गाली दिया प्रहलाद महाराज, प्रहलाद मैं सही कह रहे हैं, जिसका ताकत से आप कह रहे हो, आप आस्फालन कर रहे हो, जिसका ताकत से मैं बोल रहा हूं वही भगवान। सबसे बड़ा बीमारी ये है,
कि लगता है कि हम गुरु वैष्णव का अनुगत्य कर रहे हैं पूरा। अरे गुरुजी वंचना कर रहे हैं, गुरुजी वंचना कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी देख रहा है ये 100% शरणागत नहीं है, नहीं हो सकता, संभव नहीं है, ये इसी पोजीशन में है। चलो कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा हो जाए, इसलिए थोड़ा बहुत चलाकी कर देते हैं। लेकिन चतुर जो वैष्णव है, वो चतुर जो सेवक है, वो समझने का कोशिश करे गुरु जी का अभीष्ट वस्तु क्या है। जैसे एक उदाहरण दिया था, याद है ना, परम भजत केशव गोस्वामी महाराज का माता जी अस्वस्थ होके बीमार पड़ी थी मैके में गांव पे। पोपा जी का पास पत्र आया, पोपा जी जल्दी विनोद बाबू को बोले, विनोद प्रभु को बताएं अब जल्दी चले जाएं, आपका माताजी बहुत अस्वस्थ है, चले जाएं। और दंडवत करके किस्म विनोद प्रभु चले गए। और शाम को जब आरती का टाइम में देखे विनोद प्रभु मौजूद है, वो बात तो हैरान हो गए। सब अंतर्जामी सब जानते हैं, बोले क्या हुआ, आपने गया नहीं, तुमने गया नहीं अभी घर में? और रो पड़े, प्रभुपाद जी आप हमको परीक्षा कर रहे हैं क्या, देख रहे हैं कि मैं आपका दास हूं कि नहीं हूं, आपका परीक्षा कर रहे हैं आप। मेरा जिंदगी में आप छोड़कर कोई कुछ नहीं है, ना पिता माता भाई बंधु, सब आप ही है। आपको छोड़ के मैं कहां जाऊं, माता जी मरे तो मरे क्या करे, पिताजी मरे तो मरे क्या करे, क्या करे, ये सब देखे कोई हमको बचाएगा? पापा जी का ये जो आदेश है, ये आदेश का अंदर में वास्तविक हृदय का आदेश नहीं है, ये केशव गोस्वामी समझ ले। एक गुरु की कृपा के द्वारा ही, सेवा के द्वारा ही, निष्कपट सेवा के द्वारा अनुभव में आता है। ये प्रभुपाद जी आदेश दिए, ये इट इज वन काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, ये बोलना जरूरी है। अरे तुम जल्दी खा लो ना गुरु जी, आप खा लो ना, ना तुम खा लो, हमारा देरी है अभी, खा लिया। अब देख ले गुरु जी देख रहे, ये तो परीक्षा करने वाला, परीक्षा करेगा, प्रतिष्ठा देखे, हाँ हाँ करो, ठीक है ठीक है, बहुत हो रहा है अच्छा। लेकिन हार्दिक जो स्थिति है गुरु जी का, वो समझने के लिए हमको डुबकी लगाना पड़ेगा, गुरु जी का हृदय के साथ हार्मोनाइज करना पड़ेगा। जैसे बहुत दिन पहले बताया था, ये इन्फिनिटी ब्रह्मांडों का एक सेंटर पॉइंट है, ये जनरल उदाहरण दे रहा है, ये कॉस्मिक वर्ल्ड है ना, इन्फिनिटी कॉस्मिक वर्ल्ड, इसका एक सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट में भगवान मौजूद है। और जब तक मैं उस सेंटर पॉइंट के साथ रिकॉन्साइल नहीं कर सके, तब तक मेरा अंदर में जो अनुभव है अधूरा रह जाएगा, कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसी का ही मतलब है अनंत देव का साथ कनेक्शन रखना। जब ही अनंत देव का साथ नाता तोड़ दिया, तो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्शन, डिसकॉन्टेंट आएगा, मेरे को मुसीबत में डालेगा, तब हम चंचल हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे, कंसेंट्रेशन टूट जाएगा, कंसेंट्रेशन नहीं बनेगा। गुरु की कृपा द्वारा ही होता है ये। कभी कभी गुरु वैष्णव हमको धोखा देने के लिए कोशिश, परीक्षा करने के लिए ऐसा करते रहते हैं। वास्तविक विनम्र भाव आना, वो कोई मामूली बात नहीं है। वास्तविक विनम्र भाव हृदय में पैदा होना, ये भी कोई मामूली बात नहीं। कैसे समझे कि हमारा अंदर में तीनाद्वी भाव आया है? कब समझे, कैसे समझे? जब कोई एक गुरु जी का आदेश के द्वारा, वैष्णव के आदेश के द्वारा मेरा मन में थोड़ा धक्का लग जाता है, ऐसा बोला क्यों बोला, एक सामान्य चीज है, बोला ऐसे ऐसे करना, ये थोड़ा आदेश या तो कुछ यू नो सजेशन, उसका साथ साथ मेरा मन खराब हो जाता है। क्यों? बद्ध अवस्था में, बद्ध जीव का ये स्वाभाविक है। जब मेरा इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, तो मेरा कथा चले ना चले क्या फर्क पड़ता है? जब मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं,
मेरा कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट बिल्कुल है नहीं, इसीलिए इतना हौसला का साथ, इतना साहस का साथ हरिकथा चर्चा करने में लगे हुए हैं। अगर प्रतिष्ठा मेरा जिंदगी का मकसद होता तो आज तक इतना प्रतिष्ठा इकट्ठा कर लिया होता कि मत पूछो कि किसी का साथ मेरा कंपटीशन नहीं है, किसी का साथ कुछ नहीं है, कुछ भी हो जाए हो, जब मेरा इंटरेस्ट नहीं है ठाकुर जी अगर इच्छा करे तो कथा चले और बंद कर दे तो ठीक है बंद कर दे, कुछ भी हो जाए। इसमें क्या होता है, जब अपना कोई इंटरेस्ट नहीं रहता बिल्कुल निस्सार्थ हो जाता तब आदमी गुरुचरण में तीनादपि भाव प्राप्त करते गुरुचरण से, और इसको ही वास्तविक स्मार्टनेस बोला जाता है। अंदर में जरा सा भी प्रतिष्ठा का थोड़ा स्मेल है वो भी मेरे को वीक बना देगा, स्मार्टनेस नहीं है। प्रहलाद महाराज स्मार्ट है क्योंकि अंदर में कुछ नहीं है, कुछ भी हो जाए वो टेंशन कुछ बात का है नहीं, इसीलिए प्रहलाद महाराज सबसे स्मार्ट लगा। भक्ति है तो स्मार्ट है, पोपाद जी सबसे स्मार्ट है, मैंने देखा ही नहीं हमारा अपना जिंदगी में देखा ही नहीं इतना स्मार्ट प्रभुपाद का माफिक, देखने से एकदम कैसा लगता है हमको मन में रिएक्शन होता क्यों इतना स्मार्ट है, क्योंकि कोई परवाह है नहीं, सिर्फ इस विचार बना के चल रहे हैं कि ठाकुर जी का जो इच्छा हो जाए ठाकुर जी का सेवा हो जाए बस। हर वक़्त हर विषय में हर जगह में भगवत दर्शन भगवत संबंधों का दर्शन करना, जिसको पोपा जी ने बताए ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट ये जिंदगी में लाना, ये अगर सक्सेसफुल है ये त्रिनादवि भाव का लक्षण है। सर्वत्र हर वस्तु और व्यक्ति में भगवत दर्शन भगवत सेवा का संबंध दर्शन करना, सर्वत्र हर जगह जिसको गुरु दर्शन होता है, हर वक्त हर जगह जिसको गुरु दर्शन होता है, लोगु दर्शन बिल्कुल नहीं है, ये त्रिनादवि का लक्षण है। ये इतना इसका पेशेंसी है जो वृक्ष से भी ज्यादा है। त्रिनादवि सुनि जनो तोर रूपी से सुना अमानी मानद जितना प्रतिष्ठा है सब गुरु जी को दे दो, मेरा बूंद भी नहीं चाहिए, एक कुछ नहीं चाहिए अमान्य मनद। ऐसा हो कि जो हरि कीर्तन हरि कथा तन्मय होकर एकदम तन्मय होकर बेहोश होकर, बेहोश मतलब अंदर में होश है बाहर में नहीं है, बेहोश मतलब एनास्थीसिया का भद्दाड़ा जो वो नहीं है, अपने को भुला दिया, ऐसा करके हरि कीर्तन हरि कथा में तन्मय हो जाना एक त्रिनाद विष्णु जिनों का लक्षण है। गुरु जी का अंदर में गुरु वैष्णव का अंदर में जो सिद्ध महात्मा है गुरु कृष्ण प्रेष्ठ महापुरुष, ऐसा मापिक कोई साधु का संग सेवा के द्वारा ही हमारा मंगल का कास्ता खोल जाता है। ऐसा कोई संत महात्मा का सेवा के द्वारा ही मेरा मंगल का वास्तव मंगल का रास्ता खोल जाता है। मंगल कैसे होए, बद्ध जीव प्रभुपाद कह रहे हैं कि बद्ध जीव अपना मंगल करने जाए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि बद्ध जीव अपना मंगल का रास्ता ढूंढने जाए कोशिश में लगे तो ज्यादातर अमंगल कर डाले। बद्ध जीव अपना मंगल का लिए सोचते हैं ऐसे ऐसे मंगल होगा, लेकिन मंगल करने जाए तो वो कई गुना ज्यादा अमंगल का रास्ते में चल जाते, अमंगल हो जाता है। बद्ध जीव किसी भी हालत से अपना मंगल को ढूंढने जाए तो ये संभव नहीं है, कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारा मंगल गुरु जी के हाथ में है, चाहे हमको धक्का दे मारे अपमान करे कुछ भी करे डांटे कुछ भी करे बस तब भी मेरा गुरुजी है, छोड़ना नहीं है। ये तित्त गुस्सी महाराज जी का जिंदगी में देखा गया, ये भक्ति वेदांत बामन गुस्सी महाराज के जिंदगी में देखा गया, और हम लोगों का जिंदगी में भी ऐसा होनी चाहिए, होने से
अच्छा है। बहु भाग्य अहो भाग्य से, अहो भाग्य से ऐसा गुरु मिलता भी है, मिलने के बाद भी गुरु जी को धोखा देने का भी इच्छा भी पैदा होता है, ऐसा हो जाता है, दुर्भाग्य है। सौभाग्य से मिला है, क्योंकि गुरु मिलना साधारण बात नहीं है, बलदाव जी का कृपा के द्वारा ही गुरु मिलते हैं। माया का किंकर को गुरु बना लिया, जगत में बहुत नाम कमा लिया, मेरा गुरु जी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत पैसा वाले हैं, नंबरदार हैं, हमारा गुरु जी बड़ा नंबरदार है, चलो बड़ा प्रतिष्ठा है चारों ओर, इसको ही गुरु बनाना ठीक है, ऐसा सोची तो माया का विचार है। माया का कोई किंकर, माया का कोई दास को गुरु बना के और उसका ऊपर भोग बुद्धि के द्वारा गौर सुंदर का पास मैं बस जल्दी से पहुंच जाऊं, ये ठीक नहीं है, ये हो नहीं सकता। माया का जो दास है उसको गुरु बना के उसका प्रतिष्ठा को ऊपर भोग बुद्धि, हम भी कुछ ले ले, गुरु जी का है तो हम भी ले ले, कुछ प्रतिष्ठा भी हमको भी हो जाए, गुरु जी का इतना प्रतिष्ठा हम भी ले ले, भोग बुद्धि के द्वारा हम गौर सुंदर का पास पहुंच जाएंगे जल्दी, उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है, चलाकी का द्वारा होता नहीं। गौर सुंदर अप्रकट लीला में है, अभी हमारा सामने नहीं है, लेकिन ऐसा मापी कोई संत महात्मा जिसका हृदय भगवान का साथ एकदम जोड़ा हुआ है हर वक्त 24 घंटा, ऐसा सदगुरु वैष्णव का हृदय का साथ, मेरा हृदय अगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि डोविटेल्ड संलग्न मैचिंग हो जाए, हमारा इच्छा का साथ गुरु जी का इच्छा मैचिंग हो जाए, कुछ भी पूरा ऐसा कृष्ण तत्वभीत सदगुरु का चरण में शरणागत हो जाए, होने का रास्ता खुल जाए तो हो गया, और कोई मुसीबत है नहीं। जैसे शास्त्र में बार बार बताया ना, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवान है गुरु अंतर जामी रूपे सिखाया अपने, ब्रह्मांड भरते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजवा। फिर उसका बाद कह रहे हैं कि दूसरा लाइन है ये, कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवान है, कृष्ण यदि कोनो भाग्यवान को कृपा करे तो गुरु अंतर्जाम गुरु रूप में अंतर्जामी रूप में सिखाने का प्रयत्न करते हैं। गुरु कृष्ण रूपम शास्त्र प्रमाण है, गुरु कृष्ण रूप होता है, कृष्ण का प्रकाश, गुरु कृष्ण रूपम शक्ति का प्रकाश है ना, गुरु कृष्ण तत्प्रकाश तत्शक्ति काल चर्चा होगा, गुरु कृष्ण रूपम शास्त्र प्रमाण है, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्तों का, जो कुछ भी गुरु कृपा आ रहा है गुरु जी का माध्यम डायरेक्ट नहीं, ऐसा ही चल रहा है। एक उदाहरण दे दे, किसका अंदर में विनम्र भाव आया नहीं आया ये कौन समझेगा, एक एक क्रियाक्रम जो है एक बूंद भी, उठना खाना बैठना चलना बोलना कुछ भी चिंता करना, सारे गुरु जी का अनुगत्य में होना जरूरी है, ये असंभव है बिल्कुल। 50% अनुगत संभव है, 60% 70% 80% 90% भी हो सकता है, लेकिन ये असंभव है। याद है ना कीर्तन में है, निजो चेष्टा बलपति भरोसा छारिया तुम्हार इच्छा अच्छी निर्भर करिया, भक्तिमठ कीर्तन मिलेगा, जब अपना बल भरोसा पर अपना विद्वत्व अपना पावर अपना जवानी अपना पैसा का पास सब पावर, जब पावर का गोली मारो चूल्हे में जाए, ऐसा अवस्था में जब शिष्य एकदम मशगूल हो जाते चिंता में, ये मेरा कोई क्षमता है नहीं, मैं एक नादान बच्चा हूं, मैया अगर कोख से फेंक दे तो मर जाऊं, गोदी में लेके लार पार करी तो बच्चे
जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चा जो पैदा हुआ बेसहारा, मैया छोड़कर कुछ है ही नहीं दुनिया में और दूसरा कुछ जानता ही नहीं, ये जो मैया है ये भी ये रिलेशन तो है ही है, ये तो है ही है, लेकिन इसका भी अनुभव नहीं है। कैसा कौन एक अनजाने में एक संबंध बन गया जब मैया सामने आते ही एकदम उछल पड़ते हाथ पार पे, क्यों कौन बताता है ये तेरा माँ है, संबंध गन हुआ ही नहीं कुछ जानता ही नहीं, फिर भी इसी ने मेरे को जन्म दिए है, कैसे अनुभव होता है एक नन्हे मुन्ने बच्चा का। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं जैसे एकदम बेसहारा बच्चा उसको फेंक दे, कितना ऐसा भी केस होता है, हैं? तो कहां जाए बेचारा, ये तो कोई है नहीं। ये बच्चा का मापिक बेसहारा, मैं बेसहारा हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, एक गुरुजी है वैष्णव है, ये उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। और एक उदाहरण मैंने दिया था याद है, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, नॉर्थ बंगाल में बहरमपुर ये सब जगह सब आदमी सोया हुआ है रात को, किसी को पता नहीं कि कैसे कहां से ऐसे बाढ़ आ गया, पूरा बैरेज जो है तोड़ मोड़ के सारे पानी एकदम सर में सोया हुआ है, सब मर गया और जो भी जिंदा है वो बचने का कोशिश किया, वो बह रहे है इतना करंट है, पूरा बैरेज जो है तोड़ के एकदम ब्रेकडाउन हुआ, कलाप्स हो गया और रात में सो रहा है रात को और फिर पानी में बह रहा है, कितना मर गया, लाखों लाखों सब मर गया। और कोई अगर जिंदा बह रहा है उसका अगर सौभाग्य है कि एक पुराना पेड़ है, पुराना पेड़ है असत्य पेड़ या तो कोई भी पेड़ है बड़ा पुराना बट वृक्ष है, उसका एक पेड़ का एक ब्रांच का साथ कांटेक्ट हो गया, ओ जबरदस्ती पकड़ लिया, मरना तो है ही है, मरना तो है ही है 100% मरना है, फिर भी बचने का कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी कहते थे अक्सर ए डॉर्निंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ, मरने वाले आदमी एक तिनके को भी पकड़ने का उसके पाचने का इतना चेष्टा है। ये जो हालत पैदा हो जाता मैं बेसहारा हूं मरना तो 100% है ही है, माया का स्रोत में मैं बह रहा हूं, अभी तक मेरा अकल नहीं हुआ, मैं मरने वाला हूं, भगवान का शुक्र है मेरा साथ गुरु विष्णु का थोड़ा बहुत बाहरी कंटेक्ट भी हो गया, कोरोना भी प्रकाश किए करने का कोशिश किए, लेकिन उसको पकड़ने का कोशिश करना जरूरी है। इसके द्वारा ये उदाहरण के द्वारा जैसे एकदम अंतर का जो चाहत है बचने का, ये जो पैदा हुआ बेसहारा होकर बह रहे पानी के करंट में और एक ब्रांच का साथ कंटेक्ट हो गया, ओ किसी भी हालत से उसको पकड़ के पेड़ का ऊपर आश्रय लेने का कोशिश में लगे हुए हैं। आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण ने, जो आश्रय नहीं लिया जिसका अभी कुछ हुआ ही नहीं, आश्रय मतलब ऑल इन ऑल मेरा हार्ट एंड सोल सारे गुरु जी है, किसलिए जगत में आदमी भजन नहीं कर सकते, इतना लाखों आदमी भजन में आ रहा है क्यों भजन नहीं कर सकते, क्या कारण है, सब धोखेबाज है, ज्यादा से ज्यादा धोखेबाज है, इसलिए संभव नहीं, सब गुरु बनने के चक्कर में है, हम गुरु बनेंगे, गुरु जी का गुरु हो जाएंगे। अच्छा गुरु जी बोलते थे गुरु मारा विद्या, बांग्ला में कहते थे गुरु के मारने वाला गुरु को मारने वाला जबरदस्त विद्या मैंने सीख लिया, गुरु जी से सीखा और गुरु को मारो जबरदस्त, गुरु मारा विद्या ऐसा गुरु जी कहते थे, सब गुरु बनने का कोशिश में, शर्म नहीं आते कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं टट्टी पिसाब के बराबर नहीं हूं, जब हमारा पूर्वजों ने कृष्णदास कबीरदास जी ने बताए कि मैं पुरुष का विष्ठा का भी कीड़े के बराबर नहीं, उससे भी मेरा ये अनुभव में नहीं आता, और नहीं आता उसीलिए भजन भी नहीं होता, भजन किया क्या मामूली नाटकबाजी है, क्या भजन किया नाटकबाजी है,
अर्जुन के साथ भगवान का कितना सारे चर्चा हुआ, कितना बार अर्जुन ने बताया थे कि मैं शिष्य हूं सिखाओ, उसका बार की बात भी तर्क उठाया। ये भी भगवान के जोग माया का है, ये हमारा मापिक नहीं है, ताकि गीता प्रवचन हो सके। जब तक सदगुरु नहीं मिल जाए कोई संप्रदाय में, गुरुजी प्रभुपाद जी कहते थे गुरु सब प्रकाश वस्तु है, ऐसा नहीं थी इलेक्शन और सिलेक्शन और इलेक्शन, अरे गुरु नहीं है गुरु चला गया, गुरु बना दो किसी को और लाखों गुना अमंगल इनवाइट कर रहे। गुरु का भूमिका में कोई आम आदमी उतर नहीं सकता, कैसे करे, वो तो बद्ध जीव है। अरे क्या करे, गुरु जी चला गया, गुरु जी बन, गुरु बना दो तीन को, अरे कैसे बनाए। कम से कम अगर हमारा प्यार है परम गुरु गुरु जी के बाद, ठीक है गुरु ना बने, सोसाइटी में कोई गुरु नहीं है, ठीक है चलेगा, मैं उसका आदर्श पकड़ के हरि कथा कीर्तन करते चले, इसमें भी तो मंगल होगा सोसाइटी का। निष्कपट भाव से गुरु जी का सिखाया स्वरूप वाणी को कीर्तन करते चले, काबिल नहीं है किसी को गुरु बना दिया और करोड़ों गुना मंगल को इन्वाइट करे। ऐसा कोई बात नहीं है कि गुरु बनाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई लिखा चुका है, कहाँ लिखा है। प्रभुपाद जी ने इसीलिए हमको शिक्षा देने के लिए ऐसा किया। उस जमाने में हमारे गुरु श्रीधर महाराज भक्ति बंधु सारे गुरु कल काबिल सारे नित्य जगत का, फिर भी प्रभुपाद जी ने नहीं बनाया कि अगर कर लिया होता तो ये एक तो रजिस्ट्री खाता में, अरे प्रभुपाद जी बताया था इलेक्शन किया, बार बार बोल के गया कि इलेक्शन सिलेक्शन के द्वारा गुरु जी नहीं होते। गुरु सब प्रकाश वस्तु है, जिसको तुम्हारा मानने का हिम्मत नहीं है, तुम्हारा वीक पॉइंट है, उसका अंदर में गुरु का प्रभाव दिखाई पड़ता है लेकिन तुम्हारा अंदर में वीक पॉइंट है, नहीं उसको गुरु नहीं बोलो, अरे तुम स्वीकार करो नहीं करो वो गुरु का भूमिका में है ही है। आज तमाम दुनिया अगर तमाम दुनिया को तुम चीट करो और तमाम दुनिया तुमको गुरु बोले लेकिन भगवान का रजिस्ट्री खाता में तुम्हारा नाम नहीं है, तमाम दुनिया गुरु बोल रहा है उसको लेकिन भगवान का खाता में इसका नाम रजिस्ट्री नहीं है। सब प्रतिष्ठा छोड़ के कोई बात ही है नहीं, प्रतिष्ठा छोड़ के कोई बात ही है नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। प्रतिष्ठा है तो मैं हूं, नहीं है तो नहीं हूं, ठीक है चलो। एक कहानी याद हो गया उपनिषद ने, ए वशिष्ठ मुनि का साथ, वशिष्ठ मुनि प्रभावशाली मुनि है, वशिष्ठ मुनि को विश्वामित्र मुनि बार बार कह रहे हैं तो हमको आप स्वीकार कर लो, मैं ब्रह्मर्षि हूं, आप स्वीकार कर लो, आप अनाउंस कर दो। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं नहीं अभी तो नहीं हुआ, होने से तो कहेगा क्या हुआ, नहीं नहीं अभी तक नहीं हुआ ना, होने से हम करेंगे जरूर करेंगे। जितना बार अप्रोच किया उतना बार एक ही चीज हो रहा है। वशिष्ठ मुनि कह रहे समय आने से हम करेंगे जरूर करेंगे, अभी भी समय नहीं हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। जब आपका अंदर में सब आएगा ना तो हम बमोर्सी बुल का आपको ऐलान कर देंगे, कोई बात नहीं। तो बाद में दुश्मनी पैदा हुआ, इसका नकली मत करो, ये तो शिक्षा है भगवान ने किया है ना, हैं मुनिनाम च विभ्रमः, मुनिनाम च विभ्रमः, बामन गुस्सी में व्याख्या करते थे। कोई अगर सोचे अरे मुनि ऋषियों ने गलती किया, हम किया तो क्या हल्ला हो गया, क्या हुआ, अरे मुनि ऋषि में गलती किया, हमने किया तो क्या हुआ, चलो बामन गुस्सी में नहीं ऐसा नहीं, हम भी ऐसे ही कहते वैष्णव लोगों का अनुगत्य में, ये हमारा शिक्षा के लिए, सो दैट वी कैन फाइंड अ माइल स्टोन इन द वे ऑफ आवर भजन, हमारा भजन के रास्ते में एक माइल स्टोन रहे, जो कितना किलोमीटर बाकी है वैकुंठ जाने का है, गलत रास्ता में जा रहे हैं, माइल स्टोन रहे, कलकत्ता इतना दूर है, दिल्ली इतना दूर है, माइल स्टोन है ना। तो अपने को संभालने के लिए एक एक कर का उदाहरण है, बावन गुसी में कहते थे ये तो उदाहरण है, इसका मतलब ये नहीं कि ऋषि मुनियों ने गलती किया हम भी कर दें, अरे ये हमारा लिए एक एग्जाम्पल है ताकि हम सावधान हो जाए हर वक्त सावधान हो जाए कि कोई हमारा जिंदगी में ऐसा गलती ना हो जाए,
ऐसा है। तो ये जो दुर्वासा, ये जो तुम्हारा आपका, तो ये जो विश्वामित्र मुनि है, गुस्सा हो गया, दुश्मनी शुरू कर दी, एक एक करके जितना लड़का है सारे को मार डाला, मार डाला, मार दिया, और तपस्या भी कर रहे ये लोग। इसके बाद एक दिन वशिष्ठ मुनि को मारने का योजना बनाई, और वशिष्ठ मुनि दिखाई पड़ा, बैठा हुआ है बागान में, उद्यान में, अपना बीबी अरुंधति के साथ, और चंद्रमा विकसित है आसमान में, चर्चा में लगे हुए हैं, तरह तरह का विचार बना रहे हैं बीबी के साथ शास्त्रों का। अंतिम में अचानक कह दिया कि देखो आज जो चंद्रमा का जो विकसित रश्मि है, इतना मीठा प्रकाश, जैसे जैसे विश्वामित्र का जो तपस्या है, विश्वामित्र का तपस्या ऐसा जोशना फैल रहा है चारों ओर, ऐसा कानों में गया, अरे जिसको मरने का योजना बनाया मैंने, ये मेरा प्रशंसा में जुटे हुए है, ये कह रहा है कि देखो विश्वामित्र का भजन का कितना भाव, देखो तपस्या कर रहा है, ऐसा तपस्या कर रहा है कि मानो कि चंद्रमा का जैसे प्रकाश है सारो विश्व में उजाला फैल दिया। तुरंत जाके पैर पकड़ा, रोते रोते हमको क्षमा कर दीजिए, हमने सोचा कि आप भी मेरा माफी के है, हम भी सोचते हैं कि गुरु वैष्णव हमारा बाकी जेलसी है, उसका अंदर में भी मेरा मेरा लिए हिंसा है, विद्वेष है, वो भी पॉलिटिक्स करते हैं, हमारा ये विचार है, हमारा ये समझ में नहीं आता है कि गुरु वैष्णव के आदेश है, निर्देश है, इसमें दुश्मनी नहीं है, इसमें प्यार है, कृपा है, समझ में नहीं आता। जब पैर पकड़ के रोते रोते हैरान हो गया, पागल हो गया, तो वशिष्ठ मुनि ने उसको उठाया, गले में लगाया, क्योंकि ये लोगों का भावना है कोई भी नुकसान किया ये तो हमारा जिंदगी में परीक्षा है भगवान का, हमारा परीक्षा है जिंदगी में, हो गया, किसी के माध्यम तो परीक्षा होनी चाहिए ना, क्यों मेरे को अपमान किया, किसी मेरे को लात मार दिया, किसी ने मेरे को प्रशंसा कर दिया, तो ये होना ही है जगत में, जगत में तो होना ही है, कोई बोलेगा श्याम बाबा जीनियस है, कोई बोलेगा श्याम बाबा जानवर है, बीस्ट है, बोलेगा जीनियस और जानवर दोनों में मेरा फर्क नहीं दिखता है, दोनों ही मेटेरियल आदमी कह रहे हैं, दोनों स्थिति मेटेरियल है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई जीनियस बोले कोई जानवर बोले तो एक ही है, चलो कोई ऐसा बोले ठाकुर जी कह रहा है, परीक्षा ले रहा है, होगा। बाद में वशिष्ठ मुनि ऐलान किया कि आप अभी ब्रह्मर्षि बनने का लायक पहुंचे, इतना तपस्या किया आपने, फिर भी मन में कुछ खोटा था, आज वो खोटा है निकल गया, आज आपको ब्रह्मर्षि बोल के मैं ऐलान कर रहा हूं। देखो क्या विचार है, कितना परीक्षा होता है, उसके बाद आदमी भजन के रास्ते में जाते 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 अंतिम में गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा फाइनल अवस्था में कितना बड़ा बड़ा पूरा पृथ्वी में प्रचार किया, बाद में प्रभुपाद को ठुकरा दिया, गौड़िया मठ को प्रभुपाद को ठुकरा दिया, हर कुछ नहीं है बेकार है, प्रभुपाद को तो नाम में नाम लेकर गाली नहीं दिया, गौड़िया मठ को गाली दिया, गुरुवर्गो को गाली दिया। उसका बाद उसका जो हालत होना था वही हुआ, भगवान ने कर दिया, दुनिया का आदमी तो उल्लू है वो देख नहीं सकेगा, हमारा दुनिया में दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आदमी को सोचते रहते हैं, बस सीनियरिटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी और मेजॉरिटी शुड बी ग्रांटेड, ये दोनों बात बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, हमने भी सुना बचपन से ही, सुनते सुनते आदत में पड़ गए, लेकिन बोलते नहीं कभी, क्योंकि हमको समझ में आ गया गुरु कृपा के द्वारा ये फेक टर्म है, बेकार है, ये मेटेरियल जगत का चीज है, ये जो विचार है ये मेटेरियल जगत का, सीनियरिटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी और मेजॉरिटी शुड बी ग्रांटेड, ये जड़ जगत का विचार है, हमारा विचार नहीं है, पारमार्थिक राज्य का नहीं है, अगर ये होता तो काल का लड़का सुखदेव गोस्वामी 16 साल का, उसको इतना सम्मान कैसे मिला,
बाबा पर बाबा हरद राज वैशिष्ट सब उसको सम्मान है। वैष्णव जी जिनने सिखाया भगवत वो भी खड़ा होकर सम्मान कर रहे हैं, कैसे हो गया? तो मतलब जिसका जितना रियलाइजेशन है, जो जो जितना भगवान के करीब करीब पहुंचते हैं सेवा के द्वारा, उसका सम्मान उतना ही ज्यादा है। बाबा पर बाबा ये तो जड़ जगत का सम्मान है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कभी प्रभुपाद को लड़का नहीं बोला, और प्रभुपाद जी कभी भी भक्ति विनोद ठाकुर को हमारा पिताजी ऐसा नहीं बोला। जब से हो बच्चा है, बच्चा से लेकर बड़े, तो दे अंतिम में तो यह अंतिम में तो यहाँ तक कह दिया, मैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का, मैं भक्ति विनोद जी का जो चरण दर्शन करूं जब भी होता है तो राधा रानी का पूर्ण प्रकाश दिखाई पड़ता है, भक्ति विनोद ठाकुर नहीं दिखाई पड़ता, भक्ति विनोद ठाकुर का अंदर राधा रानी का प्रकाश होता है, मैं दर्शन होता है, ये पक्का दर्शन है। ये तेरा गुरु जी है, मेरा गुरु जी है, तेरा सोसाइटी है, मेरा मठ है, अरे इसको भगा दो। दुनिया में इतना इतना हरिकथा का जो दुर्भिक्ष है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि दुनिया में इतना हरिकथा का दुर्भिक्ष का कारण क्या है, किसी ने पूछा, प्रभुपाद मैंने सीधा कारण है, महाराज गुरु वैष्णव को अपमान किया जा रहा है, उसको ठुकरा जा रहा है, हैं, उसका साथ अन्याय किया जा रहा है, पॉलिटिक्स कर दिया जा रहा है, तो क्या करे वो लोग, रहेगा ये अपने आप में, अपने आप में गुरु वैष्णव अपने अपने आप में कंप्लीट है, उसका कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं है कि तुम्हारा सोसाइटी में छाना रसा बटेगा, पूरी कचौरी बटेगा, वो जाके खाएगा, ये कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इट्सेल्फ गुरु वैष्णव कंप्लीट है, इसलिए किसी जगह जाते नहीं है। अगर परफेक्ट कोई जगह हुआ, ऑनेस्ट जगह हुआ, ईमानदार सुनेगा तब तो जाता है, नहीं तो टुकड़े जा भाग यहाँ से, चालाकी करने के लिए आया है, सब समझ जाता है। तो ये जो दोनों टर्म है, ये जड़ जगत का टर्म है, अप्राकृत जगत में चलेगा नहीं, अप्राकृत जगत में चलेगा नहीं, सीनियरिटी मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी, ये जड़ जगत का बात है, अप्राकृत जगत में ऐसा नहीं, और मेजोरिटी मत भी मेजोरिटी मत भी गारंटेड, देखो कैसे ही विचार है। तो प्रभुपाद के लिए क्या पूरा तमाम दुनिया बोला, क्योंकि प्रभुपाद जी कभी भी शुद्ध भक्ति के साथ आतात नहीं किए, क्वालिशन नहीं किए, हमारा पास आओ हम दिखा देंगे एक एक करके महाराज का नाम उठाकर, कितना सुंदर प्रवचन करते, कितना अनुभव है, हैं? ये हमारा गुरु भाई का मुपा लाइन में आता है, फिर भी पूरा अनुभव है, सब कुछ है तत्व का, कैसे हो गया, लेकिन उसको पूरा दुनिया सम्मान नहीं करते, स्वाभाविक है। अगर प्रतिष्ठा चाहिए तो हमको एडजस्टमेंट बनाना है, ये जो रंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा दार्शनिक विचार कर रहे हैं, पूरा अपसिद्धांत कह रहे हैं, हमारा ये तो विनती है, प्राकृत रस शत दूषणी, हम ज्यादा बोलने जाए तो जितना भी चल रहा है तो क्या हंगामा मच जाएगा, हम बोलने के लिए तैयार है, लेकिन तरका नहीं, चलो कोई बात, प्राकृत रस शत दूषणी ये पढ़ो, अपरम जो है केशव गोस्वामी में आकर सारे विचार देखते चलो तो समझ में आएगा कौन धोखेबाजी कर रहा है, कौन सही कर रहा है, समझ में आएगा। ऐसा करके प्रतिष्ठा, पॉपुलरिटी और शुद्ध भक्ति सिद्धांत के साथ कोई आतात नहीं चलेगी, ये चलता नहीं। किसी का साथ एडजस्टमेंट में उतारना उसका मतलब है उसका कोई सहजिया का साथ में, मैं थोड़ा एडजस्ट, चलो महाराज ऐसा होता ही है, ऐसे होते रहता है, कोई के बोलते कंबल का लोम बचने से कंबल नहीं रहेगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैसा कंबल क्या दरकार है जो मेरा काम में नहीं आए, कंबल ही फेंक दो,
पोपा जी कह रहे हैं मठ में वैष्णव लोग रहेगा, जिसका भोग वृत्ति है, जिसका मठ का सा गौरिया मठ को देखा ही नहीं है, नाम भी सुना नहीं, बस लेकिन मठ में है, सोसाइटी में खा पी रहा है, सो रहा है, आयस आराम कर रहा है। पोपा जी बोले ऐसा कभी आदमी को फेंक दो मठ से, पोपा जी कह रहे हैं हम दिखाएंगे, भगा दो ऐसो, कोई काम नहीं है गौरिया मठ का, खर्चा बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा, ये सब निकम्मा आदमी सब बैठ के खा रहा है और स्लोगन दे रहे हैं गुरु वैष्णव का, हटाओ हटाओ हटा दो रख, ये तो उसका काम है गौरिया मठ, उसका बाप पर बाबा भी देखा नहीं गौरिया मठ क्या चीज है, रह रहे सोसाइटी में। पोपा जी ने कहना है ये लोग चले जाए तो हमारा आदर्श जो है आइडियलिज्म जो है प्रोटेक्टेड हो जाएगा, नहीं तो तरह तरह का बदनामी आते रहे आते रहे आते रहे, कहां तक विचार करें, ये सब आते रहे। अर्जुन ने इतना क्वेश्चन किया, इतना डाउट किया, संशय किया, भगवान था गुरु का मापिक, अर्जुन को गाइड करते करते यहां तक आ गया। जब अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्जुन का अंदर में विस्मय रस, भीति रस है, गौण रस जो है आते रहते हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया, अंतिम प्रश्न किया, उसका आगे भी बढ़ चुका, मैंने चर्चा किया, फिर भी ये श्लोक को चर्चा करें थोड़ा। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमास्तुते देव बरो प्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवंत माध्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देव बरो प्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवंत माध्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। क्या करे भगवान, आप जो उग्र मूर्ति वाले हैं, ये प्रकट किए हैं, आप कौन हैं? जब भी भगवान का नित्य सखा है, फिर भी ये प्रश्न हमारा लिए है, उग्र मूर्ति ये जो प्रकट किए हैं, आप कौन हैं बताओ? हे देववर, आपको प्रणाम है, आप प्रसन्न हो जाओ, आदि पुरुष आपको, आदि पुरुष आपको मैं जानने का कोशिश में हूं, इच्छा हुआ आपको जाने, क्योंकि आपको जानना ही तो जीवों का काम है, कोई काम नहीं है बिजनेस करना, ये करना, वो करना, फलाना करना, कोई काम नहीं है, एक काम है, तरह तरह का पॉलिटिकल न्यूज में इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, वोट का सिचुएशन क्या है, सब उलझे हुए हैं माया में, भगवान नहीं मिले। भगवान को जानना यही सबसे बड़ा काम है, ये जानने से तमाम जानने का समाप्त, अब जो जानने का कोई कोशिश नहीं रहेगी, इसलिए अब आदि पुरुष आपको जानने का इच्छा है, इच्छा कर रहा हूं, आप कौन हैं, किस कार्य में आप लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। सृष्टि स्थिति पुलाय तमाम भगवान के द्वारा ही प्रवर्तित हो रहा है, याद है ना? और भक्तों का तो विचार है किसी भी हालत में प्रभु मेरे को रखो, मेरा कोई गुंजाइश नहीं पैदा होगी, किसी भी हालत में मैं इसीलिए आपका चरण वंदना नहीं कर रहा हूं कि मेरे को ये जो कष्ट है सुख दुखों का इससे बाहर ले चलो, ये मेरा इच्छा नहीं, और तुम्हारा भजन कर रहा हूं कि मेरे को नरक कुंभिपाक में भेजने से आप बंद कर दो, थोड़ा रुक रोक दो कि मैंने ऐसा खराब काम किया, ठीक है नरक में आप जाना बंद कर दो मेरा, इसीलिए आपका चरण नहीं नहीं ऐसा मैंने, लेकिन भक्तिमन ठाकुर का माफिक विचार है पशु भक्ति हुए था कि स्वर्गे व निरहे तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय, मेरा इच्छा भी नहीं है कि आपका भजन करके जो पावर आएगा
गुरुजी का पावर लेके कितना आदमी कितना कुछ किया अपना लिए, बोला ना अंग्रेजी कथा में हो रहा था, मेरा मीठा व्यवहार, मेरा जितना सारी यूनो दान दक्षिणा का बहाना, मेरा बाहरी दृष्टि में विनम्र व्यवहार, मेरा जो कुछ भी है भंडारा का एकदम खोल देना दरवाजा, जो कुछ भी है अपने को प्रश्न करना क्या रे किसने कर रहे हैं, ये क्या गुरु सेवा के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए। सदानंद प्रभु बोल के एक बड़ा महान भक्त पैदा हुए जर्मन में, आप आश्चर्य होकर रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे आप। सदानंद प्रभु प्रभुपाद जी जिसको बोला है ये मेरा नित्य पार्षद है, प्रभुपाद जी ने स्वीकार किया, हो सके कि बाहरी, ऐसा असंभव है, ऐसा एक ही उदाहरण मिला, दोबारा हम देखा नहीं, एक ही। प्रभुपाद जी ने बोला हो सके कि वहां जन्म हुआ लेकिन वो मेरा पार्षद है, मेरा सदरा। क्या विचार है महाराज आजकल का जमाने में, क्या चल रहा है भजन का नाम में, हरिकथा का नाम में, ये तो खेलकूद है, ये तो एंजॉयमेंट है, ये क्या हरिकथा है, ये क्या सभा समिति है, क्या है ये सब, क्या हो रहा है, ये सब बहाना हो रहा है, क्या हो रहा है। सदानंद प्रभु का एक भी राइटिंग अब परो, अगर कुछ अक्ल है, अपराध नहीं किया है पहले, भजन जो कुछ इच्छा चोर कोई बात नहीं, अपराध अगर नहीं किया होगा होता तो तुरंत समझ आएगा ये वैकुंठ वार्ता है, ये लैंग्वेज, ये भाषा, ये अनुभव कभी ये जगत का हो ही नहीं सकता, कभी भी हो नहीं सकता, असंभव है, ये कैसा बात है, कितना सूक्ष्म विचार। केशव गोस्वामी महाराज जी, पावन गोस्वामी महाराज जी, हम तो बड़ा आनंद में एकदम, अब दुखी हूं, सब चले गए, अकेला पड़ गया। सदानंद प्रभु जी ने बताया मेरा मीठा व्यवहार, मेरा दान दक्षिणा, मेरा जो कुछ भी है सब मेरे लिए है, मेरा दिखावा गुरु सेवा कर रहा हूं, मेरा एफिशिएंसी है, मेरा ये सब है, वो है, वो है, सब कुछ है, यहां तक भी मेरा मैं जो मीठा व्यवहार, ये ह्यूमन डीलिंग्स कई कई जगह है देखने को, आचार्यों का बड़ा मीठा व्यवहार, अरे है कुछ नहीं तो मीठा व्यवहार ही है चलेगा और क्या, अब तो कुछ है नहीं, मीठा व्यवहार से काम ले, मीठा छुरी, और कुछ है ही नहीं तो मीठा छुरी से काम लेना पड़ेगा ना, कुछ है नहीं क्या दे, हम मीठा छुरी से काम, अरे महाराज कितना मीठा व्यवहार है, कितना एडजस्टमेंट है, देखो विनम्र भाव है, अरे सदानंद प्रभु ने चालाकी पकड़ा, अरेस्ट किया, बोले ये सब कोई गुरु सेवा से ताल्लुकात नहीं है, कोई गुरु सेवा से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये सब चालाकी है, मूर्ख दुनिया, उल्लू दुनिया को समझता नहीं है, क्या हरिभजन है, क्या हरिभजन नहीं है, कौन हरिभजन कर रहा है, कौन साधु है, कुछ पता ही नहीं है, करोड़ों करोड़ों जन्म तक ऐसे घूमते घूमते ये यहां तक आया, अभी भी अकल नहीं हुआ, समझ में नहीं आता, इतना गिरा हुआ इंसान है सब, कोई किसी को पता ही नहीं भजन क्या होता है, हरिनाम क्या है, कोई अब बताना भी नहीं चाहता, भजन का पोल पट्टी खोले तो मेरा पोल पट्टी खुल जाएगा, अरे महाराज ठीक है सब चलेगा, एडजस्टमेंट करो, आपका एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक ही तो पोपात का एडजस्टमेंट नहीं था, कि सब गुस्से में आ सकते, तो हमारा भी नहीं है, हम तो उसी का लड़का है ना, ठीक है आप एडजस्टमेंट करके बचाओ दुनिया को, जिंदगी में ठाकुर जी करे कि किसी को ऑयलिंग करने का जरूरत ना पड़े, मरते दम तक कीर्तन करते करते चले जाए, जो सुने सुने, ना सुने ना सुने, मरने जाए चूल्हे में जाए, क्या करें हम तो अपना कर्तव्य को निभाया, जिसके चाहे आगे बढ़ो नहीं तो नहीं बढ़ो, यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे तब एकला चलो, नोबेल प्राइज विनर है ना, नोबेल प्राइज विनर, ये जो नोबेल प्राइज विनर है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा,
यदि तोर डाक सुने क्यों ना से तो अभी एकला चलो रे, ऐसा ही हालत है। यदि तोर डाक सुने क्यों ना से रे तो अभी एकला चलो रे, अकेला चलो, अब कोई नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, उल्टा पीछे लग रहा है। पैसा है तो गुंडा भी है, गुंडा है तो सब कुछ है, चलो सभी चल रहा है, विचार नहीं है। अब विचार मांगता भी नहीं है गुरु वैष्णव, चल भगवान का भरोसा है, अकेले ही चिल्लाते चले, जिसका इच्छा हुआ पीछे आया, नहीं आया तो नहीं आया। अब इधर प्रश्न किया अर्जुन ने, जानने का इच्छा प्रकट किए, क्यों? भगवान को जानना ही तो जीवों का काम है, आप कौन है जानने का कोशिश, आपका प्रवृत्ति क्या, आपका आपका क्या मकसद है, आप क्या करना चाहते हो, किस काम में आप बिजी हो। सृष्टि स्थिति पुलाय भगवान का ये तो काम चल ही रहा है। अब भगवान ने उत्तर देना शुरू कर दिया, जे मैं कौन हूं सुन लो। कालोस्मि लोको क्षयकृत प्रबिद्धो लोकान समाहर तुमिहो प्रवृत्तो रीतेयोपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ज्यवस्थितः प्रत्यनिकेषु जोधा। कालोस्मि लोको क्षयकृत, मैं काल हूं, काल का बारे में वो चर्चा हुआ था, टाइम इज नथिंग बाय मूवमेंट, महाकाल चलते रहा है, इसको डिवीजन कर लिया अखंड काल। भगवान में अखंड काल के अंदर जो कुछ भी होना है, होगा, हुआ था, सब कुछ देख लो, सब तो है मेरा अंदर में, अखंड काल तत्व हूं मैं, चलो सब देख लो। यहाँ थी युद्ध होने के बाद क्या परिणाम है ये भी देख लो, ये भी तो है ही है, मेरा अंदर में है। कालोस्मि लोको क्षयकृत, लोको क्षयकारी प्रवृद्ध उत्कट काल मैं हूं, मौत का सामने सब कोई को माथा झुकाना पड़ेगा, एक वैष्णव नहीं, वैष्णव माथा झुकाता नहीं, सर टान करके चलते हैं। इच्छा है तो आ जाओ कभी भी, तैयार बैठा हूं ठाकुर जी, मैं तैयार बैठा हूं, जब इच्छा तो बुला लो। काल अखंड काल है, इसका अंदर में सब दिखाई पड़ता है। और तमाम लोग जो है मौत का साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, मौत का साथ कोई मौत का साथ कोई समझौता नहीं चलेगा, ये तो यही है, आएगा ही आएगा, जब आने वाला है आएगा ही जरूर, कब आए ठीक नहीं है, तो क्यों नहीं हम सावधान हो जाए। काल उसमें लोकान संघर तुम इहो प्रवृत्तो, अब ये सब लोगों को ले जाने के लिए, धीरे धीरे खाली करने के लिए मैं उपस्थित हूं। काल उसमे लोको क्षयकृत प्रवृद्धो लोकानु समाहर तुम इहो प्रवृत्तो, ये युद्ध के तो में मेरा काम क्या है, सबको ले जाना। और रीते योपि त्वम न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिता प्रत्यनिकेषु जोधा, कोई योद्धा नहीं बचेगा। एक इशारा कर रहा है भगवान, तुम युधिष्ठिर माला पंच पांडव ये छोड़ के सब मरेगा, कोई नहीं है कि जिएगा। रीते ओपी रीते रीते मैंने एक्सेप्ट यू फॉलो, रीते ओपी त्वम न भविष्यन्ति, रहेंगे नहीं, सब जाएंगे। सर्वे जे अवस्थिता, जे जनहा अवस्थिता संग्राम मूर्धनी, संग्राम युद्ध क्षेत्र में जो सारे उपस्थित है कोई नहीं रहेगा। प्रत्यनिकेषु योधा, प्रत्यनिकेषु मतलब विपक्ष सैन्य दल में जो कुछ भी है योद्धा अवस्थित, कोई नहीं रहेगा। तरह तरह का तर्क उठाया था, कैसे लड़ाई करे, पितामह भीष्म है, ये लड़ाई नहीं करना चाहिए, कैसे इसको बांध चलाए, ये द्रोणाचार्य जो गुरु है इसको कैसे मारे, बड़े बूढ़े को, नहीं 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 ये संभव है,
कैसा विचार बनाया। और भगवान ने सारे उत्तर दिया, अरे तू कौन होते हैं, तू कौन होते हैं युद्ध करने वाले, मैं सबके करके रह, बलम बलवताम अस्मी, तुम्हारा अंदर जो बल है, जिस ताकत पर तुम लड़ाई करने का निर्णय ले रहे हो, ये सब मेरा है। लड़ाई नहीं करने का निर्णय ले रहे हो ये भी आपका दोष है, क्योंकि पावर आपका नहीं है। तो ऐसा कर रहे भगवान, हम लोकोक्खायकारी होती भीषण काल, भीषण भयंकर, क्योंकि काल का प्रभाव कोई सहन नहीं कर सकता। रात का साथ दिन को जोड़ा, मिलन का साथ जुदाई को जोड़ा है, मिलन है तो जुदाई है, भगवान ने जोड़ दिया। दुख का साथ सुख भी जोड़ दिया है, वर्सेटाइल मैटर्स, ये है तो अपोजिट है, भगवान ने सब रख दिया। अब इसका अंदर में चुन लो तुम्हारा क्या मकसद है, चुन लो। भगवान तो ये टेस्टिंग करने के लिए दिया, तमाम दुनिया को ये परीक्षा में रखा है, परीक्षा में जो पास आएगा वही जिएगा, बाकी तो जाएगा। तुम अगर युद्ध नहीं करो है ना, ये विचार बनाओ, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये समझ लो कि जे ये लोक क्षयकृत काल हूं मैं, इस समय युद्ध क्षेत्र में ये सारे लोगों को संहार करने में लगे हुए हूं, और विपरीत पक्ष में जो योद्धा है सब मैं हूं। ये युद्ध करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, तुम युद्ध करो नहीं करो, तुम युद्ध ना करने प्रतिपक्ष सेने वाले, ये युद्ध अवसान सारे कोई नहीं रहेगा, बचेगा नहीं। ये महाकाल का ये कंक्लूजन है। तो बोले तस्मात, इसीलिए कह रहा हूं कि तस्मात तम उत्तिष्ठ जसो लवस्य जित्वा शत्रुण भुंक्षो राज्यम समृद्धम मयै वैत निहता पूर्व पूर्व मेव निमित्त मात्रम भव सब साचिन। मैंने बोले देखो, तस्मात तम उत्तिष्ठ जसो लवस्य जित्वा अशत्रुण भुंक्षो राज्यम समृद्धम। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर तुम युद्ध में नहीं करो ये लोग जिएगा नहीं, महाकाल इसको ग्रास करके रखा है, देखा ना, मैं विश्वरूप दिखाया, इसके अंदर में कोई केचित है ना, कोई संलग्न हो के लटक रहा है मेरा दांतों में, दांतों का बीच में लेली झसे, पहले बताया ना अर्जुन, लेली झसे ग्रसमान समन्ताद लोकानो समग्रानो बदनैर जलद भी तेजो भी रापुर जगत समग्रम भाषा स्तवग्रह प्रतपंत विष्णु, ये सब बताया गया ना, सारे बताया, और सारे नेकेड ट्रूथ, क्या भयंकर है। यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा विशंति नाशायो समृद्ध वेगा तथैव नाशायो विशंति लोका स्तवापि वक्तानि समृद्ध वेगा, सब बताया ना। यथा नदीनाम बहवम वेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंती वक्त्राणि अभिज्वलंती, सारे बताया। तो इसीलिए कह रहा हूं कि देखो, तस्मात तम उत्तिष्ट जसोलवस्य, तुम युद्ध करो, और अंतिम में बताए निमित्त मात्र भव, तुम निमित्तवान इंस्ट्रूमेंट, जैसे राय रमानंद जी बताया, कृष्णदास कबीराज गोस्वामी जी बताया, राय मुख्य वक्ता स्वयं गौर राय, राय महाशय राय रमानंद का जबान पे गौरंग महापुर साधु साधन तत्व का गंभीर रहस्य को खुलासा कर दिया। और कृष्णदास कबीराज गोस्वामी कहे, राय रमानंद जी का जबान पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं और स्वयं सुन रहे हैं, अद्वैत ग्रंथ तो यही बोल रहा है ना, को सोता को वक्ता। तस्मात तम उत्तिष्ठ,
इसीलिए तुमको कह रहा हूं कि उठो, ये जस है। इतना प्रचार का बहादुरी दिखाया मैंने, किसने करवाया? गुरुजी। अब हम अगर सोचे कि हमने किया, चलो बोल रहे, देखो ठाकुर जी तस्मात तम उत्तिष्ठो, जसो लवसो, जस ले लो, दुर्गा मैया का पास इन प्रार्थना कर रहे हैं सब सब आदमी, धनम देही जन्म देही जसो देही दिसो जोही, ये कह रहे हैं उल्लू का पट्टा सब कह रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर रहे हैं सब, क्या होगा, कचरा है, जंजाल है, ए? सब चिल्ला रहे हैं, धनम देही धनम देही जसो देही दिशो जोही, है हमारा शत्रु को यही नहीं, भक्तों का कोई शत्रु होता है? चलो कोई शत्रु नहीं है। तो तस्मात तम उत्तिष्ठो जसो लवस्यो जीत्वा शत्रुण भुंक्षो राज्यम समृद्धम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो करना होना है तो हो गया, निमित्त बन जाओ, तुम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, उठो युद्ध युद्ध करो और जय का विजय लक्ष्मी विजय लक्ष्मी को ग्रहण करो और शत्रु को मारकर पूरा समृद्धि राज्य पूरा जगत में डोमिनेट जो है पूरा राज्यम समृद्धम कर लो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा है ही है। मयई वही थे हमारा द्वारा मयई वही थे मयई वे थे मयई वही थे, व्याकरण में आता है मयई वही थे मयई वे थे निहतहा एते जनहा, ये जितना सारे तुम्हारा सन्मुख है योद्धा सब मर गया, सब मर के रखा हूं मैं। अच्छा मयई वही थे निहतहा पूर्वमेव, पहले ही मर, अरे तुम करने वाला कौन हो है? तुम करने वाला कौन हो? पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सब प्रसाचिन, तुम निमित्त बन जाओ, तुम मरने वाला कोई, मैं पहले से मर के रखा हूं, मयई वही थे निहतहा पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सब प्रसाचिन, सब प्रसाचिन क्यों? ये इसका डान हाथ डायना खैरे हाथ और डायना हाथ सब समान चल रहा है, इसलिए अर्जुन का नाम सब्यसाचिन है। और सामने दिख रहा है ना द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णम कर्णम तथान्यापि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मां व्यथिष्ठा योद्धोश्च जेतासि अने सपत्नान्। क्या बताया? द्रोणंचो भीष्मंचो जयद्रथंचो कर्णम तथा अन्यानो ओपि योद्धवीरानो मया हतांस्त्वं यहि मां व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। आई बात समझ में? भगवान कह रहे हैं द्रोणो भीष्मो जयद्रथो कर्ण और दूसरा जितना सारे युद्ध वीर है हम पहले से इन लोगों को मार के रखा है, तुम मर गया है इन लोगों को फिर मारो, फिर जसो लवस्यो जस प्राप्ति करो, तुम्हें सही मेरा 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 हाथ में मरा हुआ है इसको मारो, तुम वो है ना हतोगन को हत्या करो, डरना मत, डरने का बात ही नहीं, भयभीत मत हो, इस रण में युद्ध में शत्रुगणों को निश्चित निहत मारने में तुम कामयाब होगे, सक्सेस होगे, तुम सक्सेस हो जाओगे, युद्ध करो इसलिए मेरा आदेश। द्रोणंच भीष्मंच जयद्रथंच कर्णम तथान्यापि योद्धो वीरान् मया हतांस्त्वं जहि मां व्यथिष्ठा युद्धोस्य जेतासि रणे सपत्नान्। संजय अभी बीच में बोलना शुरू कर दिया, जो देख रहे तो बोलना जरूरी है,
इसलिए बोलना शुरू कर दिया संजय। संजय कह रहे हैं एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयो एवाहो कृष्णम सगदगदम भीत भीत प्रणम। यह भीत रस बलदेव विद्यावसन जी ने मतलब भीत रस, भीति भय जो है ये तो तमगुण का काम है। यहाँ जो है भगवान को ये सब देख के ए फैरस है ना, विवत्स रस आदि सब जो है, और विस्मय रस विवत्स रस सारे पैदा हुआ इधर। तो इधर जो है संजय कह रहे हैं कि एतत् श्रुत्वा वचनम, ये सब वचन सुनने का बाद वचनम के सबस्य कृतांजलि बेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयो एवाहो कृष्णम स गदगदम भीत भीत प्रणम। ऐसा जो है भीत भीत प्रणम, भीत मतलब ये जो अभी जो ये अद्भुत जीनिस अद्भुत रस विस्मय रस सारे पैदा हो गया इधर, अर्जुन को चका रहे ये सब। और युद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं, और काल का साथ कोई कंपटीशन करे मुकाबला करे संभव नहीं है, क्योंकि मौत का कोई प्रतिक्रिया मौत का कोई समाधान सल्यूशन नहीं निकला आज तक। भागवत में भी काल रूपे भगवान भागवत में आया है, पहला स्कंद में 13वां अध्याय में प्रतिक्रिया नजस्ेह कुतश्चित कर ही चित प्रभु सहेश भगवान काल सर्वेशा न समागता। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज कह रहे हैं कि विदुर जी महाराज कह रहे हैं अभी तो चुरुक्षेत्र तो युद्ध का चर्चा हो रहा है, मैं ऐसे ही पीछे से आगे आगे से लेकर चर्चा कर रहा हूं एक समाधान। विदुर जी महाराज महाभागवत अंध धृतराष्ट्र के सामने तर्क उठा रहे हैं, ये राजन मित मौत का कोई कोई सलूशन नहीं निकाला। प्रतिक्रिया न जस्से हो कुतश्चित कर ही जित, किसी भी जगह किसी भी हालत से किसी भी जगह नहीं मिला। प्रतिक्रिया न जस्से हो कुतश्चित कर ही चित प्रभु सयेश भगवान काल सर्वेशम न समागतः, ये काल महाकाल हमारा सामने आ गया। ऐसा करके बोल रहे हैं और जरा सल बात ये है सब द्रोणों भीष्म इसको सब मार मारने का जो भगवान कह रहे हैं कि मैं पहले से मर के रख दिया हूं, इसमें एक विशेष शिक्षा है। किसी का अंदर में अगर कर्तापन है मैं करता हूं मैं किया, इसके लिए बड़ा भारी शिक्षा है, इसके लिए बड़ा भारी शिक्षा है। जबकि जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था, जब अपमान किया था द्रौपदी लक्ष्मी का अंश में जन्मी हुई, इसे जो अपमान किए उसी समय ये लोग सती लक्ष्मी का अपमान के द्वारा उसका आयु हरण करके रखा हूं मैं। भगवान कह रहे हैं इसी समय ये लोग आमा कार्तिक मेरे द्वारा निहत हो गया था, अब तो ऐसे मुर्दा है, ऐसे तुमको जसश्री तुमको बड़ा सम्मान इज्जत देने के लिए तो अभी दिखावा युद्ध है। पहले से ही जब अपमान किया था द्रौपदी को लक्ष्मी को, लक्ष्मी है ना लक्ष्मी का अंश में द्रौपदी का भरा सभा में, उस समय एलो का जो आयु है, ऐसे भी हमारा शास्त्र में विचार है कभी अगर गुरु वैष्णव का अपमान करो तो आपका सारे जो है सुकृति विनाश हो जाएगा।
आयु श्रीयो यशो धर्मो लोकान आशीष एवच हंतिंग श्रेयंस सर्वाणी महदतिक्रमः। महत व्यक्ति का अपमान करने से आयु चला जाएगा, आयु कमती हो जाएगा, आयु श्रीय देखने में खटिया हो जाएगा। जसो यहाँ तक कि है वैष्णव अपराध करने से रातों रात शरीर में विक्रिया होता है, अकुष्ठ पैदा हो जाता है। कई उदाहरण दिए, चपाल गोपाल का देखो और रघुनाथ दत्त गोसाई के सप्तग्राम में जो जो गोपाल चक्रवर्ती उसका भी रातों रात अपराध करने से शरीर में विक्रिया होता है, टॉक्सिक विषाक्तो रस सिक्रेशन होता है, उसके द्वारा उसको कुछ कोर बीमार बना देता है, तरह तरह का बीमारी पैदा हो जाता है, तरह तरह का बीमारी पैदा हो जाता हो जाए। और आयु श्रीयो यशो धर्मो लोकानाशी सेवच हंतिंग श्यांग सर्वाने महदतिक्रम। महत व्यक्ति का अपमान करने से आयु चला जाएगा, श्री चला जाएगा, यशो जस खराब हो जाएगा, जसो श्रीय आयु श्रीय जसो धर्म धर्म पूर्वे जनरल धर्म का कोई कोई बचा खुचा है तो उसको संग्रह किया था वो भी चला जाएगा। लोकन आशीष से बड़े बूढ़े ने आशीर्वाद किया था तुम्हारा लंबा उम्र हो जाए, हैं मेरा बाबुआ का 100 साल उम्र लग जाए, उम्र लग जाए मेरा जैसा, ऐसा सारे आशीर्वाद जो है बेकार हो जाएगा, ये सब बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो अर्जुन को मानो कि भगवान कह रहे हैं तुमको जसश्री तुमको सम्मान देने के, अर्जुन जैसा योद्धा नहीं है देने के लिए, ये मेरा प्लान है, मेरा इच्छा है, पहले मरा हुआ है। जब द्रौपदी को अपमान किया था तभी ये लोग का आयु श्रीय सारे चला गया, अब तो युद्ध तो दिखावा है, कर लो यशस्वी हो जा, काट का पुतली का माफिक। सनिमित्त मात्र भव सभ्यजीन, मैं योद्धा हूं ये विचार छोड़ दो, बस तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो, सारे मैं कर रहा हूं। और पितामह भीष्म जब कुरुक्षेत्र युद्ध में गिर गया था, सरसज्जा में पड़ा हुआ था, इस समय जो कृष्ण 5 पांडव सारे वहां पहुंच गया था, वहां पितामह भीष्म का एक प्रवचन है बता रहा था, याद है ना, सारे चीज बताया, स्त्री धर्म कैसा है, स्त्री लोगों को कैसा जीना है, ब्रह्मचर्य कैसा है, साधु लोगों को कैसे जीना है, समाज व्यवस्था कैसा होना चाहिए, इकोनॉमी कैसा है, सारे बताए, युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया, कौन पितामह भीष्म, विदुर जी महाराज भी तरह तरह का उपदेश दिया अंधधृतराष्ट्र को, जत वैदुरिकम वदन्ति, वैदुरिकम बोल के किताब में सारे तरह तरह का विचार बना के, या क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, सारे विदुर जी महाराज बताए, सब महापुरुष भगवान का निजी जन है, भेजा है। तो ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध में सरसज्जा में पड़ा हुआ पितामह भीष्म का पितामह भीष्म है, ये युधिष्ठिर महाराज को सामने रखकर कृष्ण आदि सारा मुनि ऋषि सारे उपस्थित है, इन लोगों का सामने उपदेश कर रहे हैं और स्तप कर रहे हैं कृष्ण, भीष्म कृष्ण का स्तप भागवत में भीष्म का स्तप में है, शपदी सखी बचो निशम मध्य निजो परयोर बलयोर थम निवेश्यो स्थितवती पर सैनिकायोक्षना हितवती पार्थ सकेरती ममास्तु। कैसा सुंदर है, मत प्रतिज्ञाम अधिकर्थम अवप्लित रथस्य, ये सब ये श्लोक भी है, मेरा प्रतिज्ञा को सच्चा बनाने के लिए ठाकुर जी अपना प्रतिज्ञा को फेंकने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े नीचे और रथ का चक्का लेके मार डालेंगे भीष्म, जबकि प्रतिज्ञा क्या था, हम अस्त्र नहीं पकारेंगे, मत प्रतिज्ञा हमने भी प्रतिज्ञा किया था तुमको अस्त्र पकड़ा के छोड़ेंगे, तुमको अस्त्र पकड़ा के छोड़ेंगे,
तो यही बात को सच्चा बनाने किए मात प्रतिज्ञाम रितम अधिकर्तुम अवप्रतिरथस्य। आ इधर बताया गया देखो शपदी सखी बचो निशम मध्य निजो परयोर बलयो रथम निवेश्यो स्थितवती पर सैन्य कायुक्षणा हृतवती पर तो सखे रतिर ममास्तु। क्या बताया शपदी सखी बचो हैं? जब कृष्ण को अर्जुन ने अनुरोध के आदेश किया सेना और उभयोर मध्य रथं स्थापय मैं उच्चुन सेना और उभयोर मध्य रथं स्थापय हे अर्जुन हे कृष्ण दो सेना सेना वाहिनी का बीच में मेरे रथ को रखो ताकि मैं हैं देख सकूं कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए इसलिए चलो। तो यही बात को उठाते हुए पितामह भीष्म ने कहा जो अर्जुन ने आदेश किया ना हैं ये दोनों का जो सैन्य वाहिनी है ये बीच में मेरा रथ को सेनयोर उभयोर मध्य रथं स्थापय मैं उच्युत। इसी बात को उठाते हुए पितामह भीष्म कर रहे हैं शपदी सखी बच्चो निशम मध्य निज परयो बलयो रथम निवेश। अपना सखा अर्जुन को कहने पर दो सैन्य वाहिनी का बीच में रथ को स्थापित कर दी अस्थितवती उस जगह को खड़ा कर दी और पर सैन्य का युखना ऋतवती पार्थ सके रति ये कौन है ये कौन है ये कौन है। कृष्ण देखते रहे देखो अर्जुन ये सब सैन्य वाहिनी है देख रहे हो कि नहीं ये सैन्य वाहिनी है ये देखो सब खड़ा हुआ है पितामह भीष्म द्रोणाचार्य ये अश्वत्थामा सब खड़ा हुआ है देखो एक एक करके भगवान ने जो आंखें घुमाया ना भगवान ने जो आंखें घुमाया ना आंखों के द्वारा इसका सारे जो दृष्टि है भगवान ने देखा है आंखों के द्वारा हे देखो 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 सामने खड़ा हुआ भगवान ये जो इन लोगों को दर्शन किया दर्शन कराया ये दर्शन करने का साथ साथ पितामह विश्व कर रहे हैं मेरे को पहले से ही मालूम था तुम दर्शन करने का बहाने में हर सेना वाहिनी सारे योद्धा ओपोनेंट पार्टी का सारे उनका आयु को हरण कर लिए तभी सपदी सख बचो ना सपदी सखी बचो निशम मध्य क्या बताया सपदी सखी बचो निशम मध्य निजो पयो निजो परयोर बलयो रथम निवेश सितवती पर सैन्य का युखना ऋतवती पार्थ सखी रतिर ममास। ओ पार्थ सखा अर्जुन का सखा वो कृष्ण के चरण में मेरा मति रहे क्योंकि वीर रस का भक्त है योद्धा ना वीर रस का सदन किया इसीलिए कह रहे हैं सपदी सखी बचो निशम मध्य निज परयोर परयोर बलयो रथम निवेश्य सितवती पर सैन्य सैनिका युखना हितवती पार्थ सखीर ममास्तु। मेरा मन बने रहे मेरा अचल निष्ठा रहे उसका चरण में। अर्जुन भी बताया था एक नंबर उद्धव पंद्रह अध्याय में अगोचर ममो विभो रथो जूत पानम आयुर्मनसी च दृशा सहो ओजो अच्छत। युधिष्ठिर को कह रहे हैं जब वापस लौट के आए ना द्वारका से युधिष्ठिर को एक ही करके याद हुआ रोते रोते सब बता रहे पहले महाराज कुरुक्षेत्र के जय कुरुक्षेत्र युद्ध में जो मेरा सखा कृष्ण ने बताया था आज समय में आ रहा है आज हृदय में उतर रहे सब। उस समय तो बोला हाँ समझ गया बहुत हुआ लेकिन आज देखा अनुभव में उतर रहा है उसी बात को खुलासा करते हुए कहा हे प्रभु युधिष्ठिर जो सारथी रूप धारण करके मेरा रथ में सवार था
अग्रभाग अवस्थित पूर्वक निज अचिंत शक्ति के द्वारा एक एक बार दृष्टि के द्वारा रथयुद्धपतिगण इतना अतिरथ महारथ बड़े बड़े जिस सैन्य है मालिक है जिसका वो जो युद्धपति है इसका आयु इसका उत्साह शक्ति बल अस्त्रादि कौशल टेक्निक सारे हरण कर लिया। भगवान अगर प्रेरणा ना दे तो मेरा किताब लिखने का हिम्मत नहीं होगा, हरि कथा बोलने का हिम्मत। जब भगवान प्रेरणा देंगे ना, जो प्रचोदया सुबह में कहते हैं ना, इसका सही इस्तेमाल जो भक्त कर सके भगवान जरूर उसको दे। भगवान प्रेरणा दे रही, प्रेरणा देते देते भक्तों के द्वारा तमाम सेवा को करवा लेते हैं, सेवा लेते हैं। अगर कोई कहे कि मैंने किया तो हो गया छुट्टी। सो अग्रचरो ममो विभो रुथो, क्या बोला अर्जुन ने, कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, अग्रे चरो ममो विभो रथो जुथो पानाम आयुर्मनांसी चौदृशा सहो ओजो अच्छत। अच्छत मैंने खींच लिया, ले लिया, खाली देखने का बहाने में चारों ओर देखा, अर्जुन देखो 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 ये सब है, बस सारे इसका आयु बल उत्साह शक्ति अस्त्र आदि कौशल टेक्निक सारे कहाँ गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, कुछ करने का नहीं है, सब भगवान का, सब खिलौना है, हम लोग खिलौना है माया का। अगर भगवान का अनुगत्य में रहे वैष्णव का तो माया का खिलौना से थोड़ा छुटकारा मिले और भगवत भजन करते हुए आगे बढ़ेंगे और तब देखेंगे, कोई बात नहीं। भगवान जो करवा रहे हैं भक्ति आए तो सारे समाधान, तमाम समस्या का, तमाम दुनिया का, इन्फिनिटी वर्ल्ड का, तमाम दुनिया का एक ही समाधान है, तमाम इन्फिनिटी वर्ल्ड का एक ही समाधान है, वो है भक्ति, प्रेम भक्ति, भक्ति के द्वारा ही समाधान है। और यहाँ जो श्लोक देके शुरू किया था इसका भी थोड़ा विचार बता दें, नाहं बंदे तबो चरणयोर दंद मदंद हेतु तो, कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम रम्या रामा मिदु धनुलता नंदने नावि नापिरंतुम नाभिरंतुम भावे भावे हृदय भवने भवैयम भवंतम। हे प्रभु हे हरे, ये सुख दुख द्वंद्व जो है कन्फ्लिक्शन है इसको हटाने के लिए आपका चरण नहीं वंदना कर रहे हो, आपका चरण वंदना नहीं कर रहा हूँ। किंबा ऐसा नहीं कि पहले बहुत घटिया काम किया नरक में तो जाना ही है, कुंभी पाक नरक में, उसको इसको हटाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। कुंभी पाक नामक नरक भोग मेरा लिखा हुआ है, इसको हटाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अथवा मेरा हृदय में ऐसा भी वासना नहीं कि आपका भजन कर रहा हूँ कि ऐसा मेरा हो जाए नंदन कानन में स्वर्गीयो उद्यान में जितना सारे स्वर्ग का सब स्वर्ग स्वर्ग सुंदरी रमणी है इन लोग ऐसा रमन करे बाहु मध्य आलिंगन करे, ऐसा नहीं, ऐसा भी इच्छा नहीं। रम्मा रमा मृदु तनुलता, ये नरम नरम हाथे पैर सब देखे मेरे को आलिंगन करके मेरे को आनंद दान करने, ऐसा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ आपका भजन। प्रभु जी मेरा भजन में कोई इच्छा ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरा ऊपर संतुष्ट हो जाओ। मेरा कोई कामना बसना नहीं बचा, कोई बचा खुचा कुछ नहीं है मेरा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया ना कुलोशेखर देख लिया, कुलोशेखर बोले महाराज खूब देख लिया, खूब देख लिया, प्यार का नगरी लूट गया, देख लिया सारे, क्या जमाना है क्या क्या है सब देख लिया, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं रखा। तो ये सब आनंद लेने के लिए ठाकुर जी आपका भजन नहीं कर रहा हूँ। कुलोशेखर अपना जीवन जिंदगी में सारे देख लिया, राजा था, इतना बड़ा राजा था, लेकिन धिक्कार हो गया, ये संसार है, ये संसार है, ये धिक्कार है इसको। मेरा एक तो एक ही विनती है, हर वक्त पल पल में
आपका हृदय चरण का ध्यान हो जाए, यही इसीलिए मैं दंड प्रणाम कर रहा हूँ आपको। ना हम बंदे तबो चरणयोर दंड मदंद हेत कुंभिपाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम रम्मा रामा मिदु तनु लता नंदने नाविरंतुम भावी भावी हृदय भवने भावीयम भवंतम वांछा कल्पदुरुष के पास इंद्र व्यवच पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो।